ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ भूतों से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में, और आज की ये वीडियो कुछ मजेदार होने वाली है, और इस वीडियो में आपको एक ट्विस्ट देखने को भी मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने कभी ना कभी अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ भूतों की स्टोरीज के बारे में बात की होगी, और इसके साथ साथ भूतों से जुड़े गेम्स जैसे कि ओउइजा बोर्ड के बारे में भी सुना होगा, जिसकी मदद से हम मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। और इसके अलावा हम सभी ने कई हॉरर मूवीज देखी हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोगों के लिए आज भी गोस्ट एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, यानी कि आज भी ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते या फिर उस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि कई लोगों ने भूत को नहीं देखा है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों ये माना जाता है कि गोस्ट रात में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिस वजह से गोस्ट और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। फैक्ट नंबर टू, छोटे बच्चे और ज़्यादातर जानवर गोस्ट को इजीली देख पाते हैं, और अब आप पूछेंगे क्यों। तो मैं आपको बता दूँ कि छोटे बच्चों में ज़्यादा लेवल ऑफ एनर्जी होती है, जिस वजह से गोस्ट उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, और इसी वजह से छोटे बच्चे उन्हें अपना इमेजिनरी फ्रेंड्स भी बना लेते हैं, और ये सब तो शायद आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा। ज्यादातर भूत प्रेतों को तो ये भी नहीं पता होता कि वो मर चुके हैं, और इसी वजह से वो पूरा समय एक कंफ्यूजन में ही बिता देते हैं, और उन्हें ये लगता है कि वो इस समय एक सपना देख रहे हैं और उसी सपने में फंस चुके हैं। फैक्ट नंबर फोर, ये तो हम सभी जानते हैं कि वैम्पायर सोते नहीं है, और ऐसा ही सेम गोस्ट के साथ भी होता है। गोस्ट भी सोते नहीं है, 2400 घंटे भटकते रहते हैं, और वो भी शायद इंसाफ पाने के लिए। फैक्ट नंबर फाइव, गोस्ट को अटेंशन सीकर भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर समय वो आसपास की दुनिया में इंसानों को ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पे मौजूद है। तो अगली बार से अगर आपको कहीं से भी किसी परफ्यूम की स्मेल आए या फिर आपको कहीं स्मोक या फिर फॉग दिखे, तो आप समझ जाना कि आसपास ज़रूर कोई गोस्ट है। फैक्ट नंबर सिक्स, माना जाता है कि गोस्ट माइंड रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, यानी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आसानी से देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ वो आपका फ्यूचर भी देख सकते हैं, और वो आपको कम्युनिकेट करते हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू। तो अगली बार अगर आपको आपके फ्यूचर के बारे में कोई ड्रीम आए, तो आप समझ जाइएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। फैक्ट नंबर सेवन, आपने कई मूवीज में देखा होगा कि गोस्ट इंसानों को मार देते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। गोस्ट अपने आप आपको नहीं मार सकते जब तक वो आपकी बॉडी में घुस के अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। इसका मतलब वो आपकी बॉडी में घुस के आपको मार सकते हैं। फैक्ट नंबर एट, दोस्तों शायद आप मानेंगे नहीं, लेकिन गोस्ट बोर भी होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने वजूद के बारे में कुछ नहीं पता होता। इसी वजह से वो इंसानी दुनिया में हेर फेर करने लगते हैं, और हमेशा और ज़्यादा जानने की फिराक में रहते हैं। फैक्ट नंबर नाइन, दोस्तों ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जानवर भूतों को देख सकते हैं, लेकिन कैट्स उनमें से एक है जो सही में भूतों को देख सकती है, यानी कि बाकी एनिमल्स सिर्फ उनकी पैरानॉर्मल एक्टिविटी सेंस कर सकते हैं, लेकिन कैट्स उन्हें सही में देख सकती है। तो अगली बार से अगर आप किसी कैट को हवा में घूरते हुए देखें, तो समझ जाइएगा कि ये डरने का टाइम आ चुका है। फैक्ट नंबर 10, ज़्यादातर गोस्ट हमें डराने के लिए नहीं होते, वो बस यहाँ पे अर्थ पे फंस जाते हैं। और तो और, जिन बच्चों की उम्र 1 साल से कम होती है, उनके गोस्ट को एंजल्स कहा जाता है। फैक्ट नंबर 11, हम सभी ये मानते हैं कि चर्चेस गोस्ट से बचने के लिए सबसे सेफ जगह है, लेकिन असलियत में यहाँ पे सब कुछ उल्टा होता है। देखा गया है कि गोस्ट ज्यादातर कब्रिस्तान में नहीं बल्कि चर्च में ही दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 12, गोस्ट मरने से पहले जिस इंसान के रूप में थे, वो मरने के बाद भी उसी पर्सनैलिटी में रहते हैं, क्योंकि उस पर्सनैलिटी से उनके इमोशंस और मेमोरीज जुड़ी होती हैं। फैक्ट नंबर 13, कहा जाता है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस कई भूत जैसे कि एबिगेल एडम्स और लेडी प्रेसिडेंट्स के भूत से शापित है, और इसी के साथ साथ कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन के गोस्ट ने तो आज तक व्हाइट हाउस को नहीं छोड़ा है। फैक्ट नंबर 14, कई लोगों का मानना है कि गोस्ट सूंघ भी सकते हैं, और अच्छे सुगंध आने पे उन्हें आकर्षित भी किया जा सकता है। तो अगर आपको अगली बार किसी गोस्ट के साथ टाइम पास करना हो, तो आप लेमन्स को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि गोस्ट को लेमन की खुशबू काफी ज्यादा पसंद है। फैक्ट नंबर 15, शायद आप मानेंगे नहीं कि गोस्ट के पास काफी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, यानी कि उन्हें काफी अच्छा लगता है जब लोग हंसते हैं। फैक्ट नंबर 16, इंग्लैंड के एक एक्सपर्ट ने एक स्टडी में यह पाया था सेलफोन से गोस्ट दूर भाग जाते हैं,
क्योंकि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक नॉइज निकलती है जब भी हम फोन कॉल्स या फिर टेक्स्ट मैसेजेस का प्रयोग करते हैं। और उन्होंने ये एक खास प्रूफ देते हुए कहा कि जब से सेलफोन्स का इजाद हुआ है तब से ही गोस्ट साइटिंग्स भी काफी कम हो गई है। और अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट फैक्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि आइंस्टाइन मानवता के सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों में से एक है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद ये कहा था कि गोस्ट सच्ची में होते हैं। और उन्होंने आगे ये बताया कि इस यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है और इसी वजह से एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और अगर डिस्ट्रॉय कर भी दे तो वो दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है जिस वजह से गोस्ट बनता है। तो क्या अब भी आपको कोई प्रूफ चाहिए कि गोस्ट होते हैं? शायद नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।